समय आपने दिया रेल बजट पर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अध्यक्ष महोदय, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वो उत्तर बिहार मिथिला का क्षेत्र है, जहाँ पर 22 फरवरी 1974 को सकरी हसनपुर रेल लाइन का शिलान्यास तत्कालीन स्वर्गीय रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा जी के द्वारा किया गया। फिर उसी को 96 में शिलान्यास उसी योजना का हुआ और फिर पुनः 2008 में उसका शिलान्यास हुआ, लेकिन आज तक पूर्ण सकरी हसनपुर रेल लाइन हो नहीं सका। हम आपके माध्यम से सरकार के माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे कि इस रेल लाइन को अविलंब बिरौल से हरिनगर के बीच जो रिमोट द्वारा कुछ अंश में चालू किया गया, इसे आगे बढ़ा करके कुशेश्वर से हसनपुर रेल लाइन की परियोजना को चालू किया जाए। और माननीय मंत्री जी से यह भी आग्रह करना चाहेंगे, 2008 में लालू प्रसाद जी तत्कालीन मंत्री जी के द्वारा लहरिया सराय से सहरसा तक रेल लाइन बनाने की जो घोषणा की गई थी, उस योजना को भी जनहित में देखते हुए इसको भी अपने कार्य योजना में जोड़ा जाए। और अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, दरभंगा से देश के अन्य महानगरों के लिए प्रीमियम ट्रेनों से तुरंतो जैसा हम सफर ट्रेनों का भी परिचालन शुरू किया जाए। माननीय रेल मंत्री जी से सादर आग्रह करना चाहूँगा, आनंद विहार नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन जो अभी सप्ताह में सिर्फ 2 दिन ही चलता है, जिसे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अतः जयनगर आनंद विहार गरीब रथ का परिचालन प्रतिदिन किया जाए। माननीय रेल मंत्री जी से मेरा अनुरोध है, अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, जो मिथिला के हृदय असली दरभंगा से देश की राजधानी के लिए कोई भी अच्छी ट्रेन नहीं है, जिसे कम से कम एक डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस परिचालन भाया बरौनी समस्तीपुर दरभंगा सीतामढ़ी गोरखपुर होते हुए दिल्ली तक चलाया जाए। अध्यक्ष महोदय, दरभंगा शहर में जितनी भी घुमतियां हैं, जाम के कारण घंटों लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इन सभी घुमतियों पर फुट ओवर ब्रिज बनाकर दरभंगा वासियों को जान से छुटकारा दिलवाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।